Let's turn our Bibles to Joshua 23:14. आइए हम सब निकाल लें अपनी बाइबल में से यहोशू 23 और उसका वचन 14 है। Joshua says, "Every promise the Lord has given has fulfilled." यहाँ यहोशू कहता है कि परमेश्वर ने जो हर एक प्रतिज्ञा हमें दी उसे पूरा किया है। Not one has failed. और उनमें से एक भी अधूरी नहीं रही। To be victorious. जयवंत होने के लिए We need to cling on to God's promises. हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामना आवश्यक है। If God says He will bless you, अगर परमेश्वर कहता है वो आपको आशीष देगा, He will bless you. तो वो आपको निश्चय ही आशीष देगा। If God says He will make you a leader, अगर परमेश्वर कहता है वो आपको एक अगुवा बनाएगा, He will make you a leader. वो आपको निश्चय ही एक अगुवा बनाएगा। If God says He will give you a job, अगर परमेश्वर कहता है वो आपको एक नौकरी देगा, He will give you a job. निश्चय ही वो आपको एक नौकरी देगा। So today, तो आज, whatever promises the Lord gives, जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपको देता है, I want you to hold on to it. मैं चाहती हूं कि आप उनको थामे रहें. Because every promise will be fulfilled. क्योंकि निश्चय ही एक-एक प्रतिज्ञा पूरी ही होंगी. When Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, there were many disciples with him. उसके साथ अनेक-अनेक चेले थे. Do you think they believed him from the beginning? क्या आप सोचते हैं कि उन्होंने शुरू से ही यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया? Do you think they were with Jesus all through Jesus's life? और क्या आप ये सोचते हैं कि वो यीशु के साथ यीशु मसीह के जीवन पर्यंत बने रहे? Look at how they come and joined with Jesus. आप देखिए कि वो कैसे आकर के यीशु के साथ मिलते जाते हैं। Luke 5 verses 1 to 11. लुका 5 1 से लेकर के 11 वचन को अगर देखें, Jesus goes to the lake of Gennesaret. वहाँ पर यीशु गन्नसरत नाम झील के पास जाते हैं। Jesus preaches to the multitude of people. और वहाँ लोगों की जो भीड़ है यीशु उस पर प्रचार करते हैं। So many people come to see him. और अनेक लोग उसको देखने के लिए आते हैं। And Jesus preaches to them. और यीशु उन सबको प्रचार करते हैं। Love, faith and joy. प्रेम, विश्वास और आनंद का प्रचार। And there we see Simon Peter. और वहाँ पर हम शमौन पतरस को देखते हैं। Simon Peter was a fisherman. शमौन पतरस जो था वह तो एक मछेरा था। He only caught fish. और वो बस मछलियां पकड़ा करता था। That too not all the time, once in a while. और वो भी हमेशा नहीं पकड़ पाता था, बस कभी-कभी पकड़ा करता था। So Jesus comes and talks to Peter. तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु आकर पतरस से बातें करता है। He says, Simon. और वो कहता है कि शमौन, give me your boat. तो मुझे अपनी नाव दे दे। Simon, give me your boat. शमौन, तुम मुझे अपनी नाव दे दो मेरे लिए। So Simon gives Jesus his boat. तो शमौन पतरस जो है वो यीशु मसीह को अपनी नाव दे देता है। And Jesus says, Simon, और तब यीशु साइमन से कहते हैं, सिमोन, put your net in the deep waters. अब तो अपनी जाल को उठा करके थोड़ा गहरे में डाल। When did this thing happen? और ये जो है कब हुआ? This was during the day. ये जो है पूरा दिन के समय होता है। All of you go to the beach. आप सब जो हैं बीच को जाते हैं। All of you have seen lakes, isn't it? और आपने सब झील भी देखी होंगी, समंदर भी देखे होंगे। Have you seen a fisherman fishing during the day? क्या आपने कभी देखा है कि मछेरा जो है दिन के समय मछलियां पकड़ता है? Have you seen a fisherman putting his nets and fishing during the day? क्या आपने कभी देखा है कि जो मछली मारने वाला है या मछेरा है दिन के समय अपने जाल को फैलाता है मछलियां पकड़ने के लिए? Basic rule number one for fishermen is not to fish during the day. और जो पहला नियम है मछेरों के लिए वो ये है कि दिन के समय वो मछलियां पकड़ने की कोशिश ना करें। But Jesus comes. और लेकिन यीशु आता है। And he says, put your nets in the deep waters. और वो कहता है कि अपने जाल को तू गहरे पानी में डाल। Simon says, Lord. शमौन कहता प्रभु। Lord, we didn't catch any fish all night. पूरी रात हमने मेहनत की प्रभु जी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं पकड़ा। But because you said, I believe and I'm putting my net. लेकिन क्योंकि तू कह रहा है मैं विश्वास करता हूँ और अपने जाल को डालता हूँ। So Simon puts his net. तो शमौन जो है अपना जाल गहरे में डालता है। And he catches so much of fish. और वो इतनी ज्यादा मछलियाँ पकड़ लेता है। The net can't hold it anymore. कि वो जो जाल है उन मछलियों को संभाल नहीं पाता। So Simon Peter calls his friends. तो शमौन जो है अपने दोस्तों को आवाज देता है। His partners. अपने साथियों को। He says, "Come, come! There's so much fish here. Come, help me take all this fish." और कहता है, आओ, आओ, आकर के इतनी ज़्यादा यह मछलियाँ तुम मेरी सब सहायता करो। So everybody comes and gets this fish. तो हर एक जो आता है और मिलकर के इस मछलियों को निकालता है। And they have so many boat loads of fish. और उनके पास कई एक नाव भर जाती उन मछलियों के साथ। What did Simon Peter do? तब शमौन जो है क्या करता है? Just do what the Lord said. जो प्रभु ने कहा उसने बस वही किया। He just did what the Lord said. उसने बस वही किया जो प्रभु ने कहा था।
Maybe Simon Peter must have been touched by the Lord's words. हो सकता है शमौन पतरस जो है प्रभु की वाणी को सुन करके उससे द्रवित हो गया होगा. Faith would have been built in his heart. और उसके हृदय में विश्वास जो है वो उमड़ आया होगा. And that's why he might have said, "We didn't catch any fish all night, but because you said so, I will put my net in the deep waters." और इसलिए वो कहता है कि पूरी रात हमने मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन अब तू कह रहा है इसलिए मैं अपने जाल को गहरे में डालूंगा. Yes, my friends, that is all we need to do. हाँ मेरे मित्रों, हमें बस इतना ही करना है. Just believe him. बस उस पर विश्वास करना है. And just do what he says. और जो कुछ वह कहे वही पूरा करना है. If he says, go and take that mountain. अगर वो कहता है कि जाओ और उस पहाड़ को तुम पकड़ लो. Go and take that mountain. तो जाकर उसे पकड़ लीजिए. To our eyes, it might be so impossible. आपकी दृष्टि में हो सकता है कि ऐसा करना बिल्कुल असंभव होगा. But with God, all things are possible. लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है. So today, when you might expect the impossible, when you think you are expecting the impossible. तो आज के दिन जब आप अनपेक्षित के लिए, असंभव के लिए अपेक्षा कर रहे हैं. Just trust in God. बस परमेश्वर पर अपना विश्वास बना रखें. When God says, "Do this," do it. और जब परमेश्वर कहता है ये करो, तो आप उसे करिए. Just receive Him in your heart. बस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ले लें. Even now the Lord is going to fill you with the Holy Spirit. इस समय भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं. Shall we all close our eyes? आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें. And look up to God. और परमेश्वर को निहारें. And say, Lord. और कहें प्रभु जी. Fill me with this Holy Spirit. इस पवित्र आत्मा से आप मुझे भर दें. Everybody ask him. हरेक उससे मांगे. Everybody ask him. हरेक उससे मांग करे. Jesus. यीशु. Come fill me, Lord. आइए मुझे भर दीजिए प्रभु जी. Come fill me, Lord. आ करके मुझे भर दीजिए प्रभु जी. I need you, Jesus. मुझे आपकी आवश्यकता है यीशु. I need this victory. मुझे ये जय चाहिए. No more loss. अब कोई भी हानि नहीं. No more failure. कोई असफलता नहीं. No more fear. कोई भी भय नहीं. Jesus, I need you. यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है. Come fill me. आकर मुझे भर दे. Come fill me. आकर मुझे भर दे. Come fill me. आकर मुझे भर दे. Jesus, fill your children right now. यीशु अपने बच्चों को भी भर दे. Right now. इसी समय. Right now. इसी समय. Right now. इसी समय. Everybody receive him. हरेक उसे ग्रहण करे. Small or old. चाहे छोटे हो बड़े. Young or old. चाहे जवान हो या बुजुर्ग. Everybody receive him. हरेक उसको इस समय ग्रहण करे. Clap your hands and receive him. तालियों के साथ आप उसे स्वीकारें. Yes, Jesus. हाँ यीशु. Fill us, Lord. हमें भर दे प्रभु जी. Fill us, Lord. हमें भर दे प्रभु जी. Thank you for filling your people. धन्यवाद आपके लोगों को भरने के लिए प्रभु जी. We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते प्रभु जी. We give you all the honor. हम आपको सारा आदर देते हैं. Give you all the praise. हम आपको सारी प्रशंसा देते हैं. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु.